जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको लेके चलूँगा बैमा नगोई का महामाया मंदिर। यह मंदिर भी रतनपुर के महामाया मंदिर और मल्हार के डिंडेश्वरी मंदिर जितनी ही पुरानी है। रतनपुर के महामाया मंदिर में दर्शन करने के बाद बैमा नगोई के महामाया मंदिर में भी दर्शन के लिए आते हैं। बैमा नगोई के महामाया मंदिर में भी जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मनोकामना रहते हैं, जो भी मन्नत रहते हैं, वो सारी मन्नत और मनोकामना जो है यहाँ पूरी होती है। यहाँ पर सुबह और शाम को भव्य आरती होता है। अगर आप उस समय आ सकते हैं तो उस समय आइए और आरती ज़रूर देखिए। यहाँ पर दोनों नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड भी है। दोस्तों, बैमा नगोई का महामाया मंदिर 12वीं शताब्दी का मंदिर है और पहले इसे ग्रामीणों के ही संरक्षण में रखा गया था। और दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और दर्शन कराते हैं माता का। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। दोस्तों, हम हैं नगोई बैमा का महामाया मंदिर में। जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिस भी मन्नत से आते हैं, तो वो सारी मन्नतें जो है पूरी होती है। रतनपुर महामाया मंदिर जाते हैं, वो यहाँ से होकर यहाँ माता के दर्शन करने के बाद जो है महामाया मंदिर जाते हैं। और यहाँ पर भी जो नवरात्रि में लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो आप भी आइए यहाँ पर। ये बिलासपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप आइए और माता का दर्शन करिए। दोस्तों, हमारे देश में भी महामारी फैली हुई है। अभी आप घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें। मैं आपको 9 दिन तक अलग अलग माताओं का दर्शन कराऊंगा, आप घर बैठे दर्शन करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।